हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को स्विमिंग करने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। शरीर को हेल्दी रखने के लिए लोग घंटों जिम में पसीना बहाने के साथ वॉकिंग करते हैं और कई बार योग का सहारा भी लेते हैं। एक ही तरह की फिटनेस रूटीन अपनाने से कई बार लोग बोर हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको फिटनेस रूटीन में स्विमिंग को शामिल करने के फ़ायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। स्विमिंग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मानसिक शक्ति के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। रोज़ आधे घंटे स्विमिंग करने से कैलोरी बर्न होने के साथ शरीर भी हेल्दी रहता है। स्विमिंग मूड को रिफ्रेश करने के साथ तनाव में भी राहत देती है। इसको करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मन को भी शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं स्विमिंग करने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। रोज़ स्विमिंग करने से कैलोरीज बर्न करने में मदद मिलती है और शरीर भी फिट रहता है। वॉक करने की तुलना में स्विमिंग करने से कैलोरीज तेज़ी से बर्न होती हैं और वजन को कम करने में मदद मिलती है। ये शरीर को फिट रखने में मदद करती है। रोज़ स्विमिंग करने से मन को शांति मिलती है, जिससे डिप्रेशन कम करने के साथ एंग्जाइटी की समस्या भी दूर होती है। स्विमिंग करने से नींद बेहतर तरीके से आती है, जिससे डिप्रेशन भी कम होता है। स्विमिंग करने से मूड भी फ्रेश रहता है और डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। स्विमिंग करने से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। इससे शरीर में ब्लड फ्लो अधिक तेज़ी से होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ हार्ट भी लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। रोज़ आधा घंटा स्विमिंग करने से हार्ट संबंधी बीमारियां भी दूर होती हैं। रोज़ स्विमिंग करने से शरीर लचीला होने के साथ फुर्तीला भी बनता है। ये एक तरह की एक्सरसाइज है, जो शरीर को फिट रखने के साथ शरीर को लचीला बनाने में मदद करती है। रोज़ाना स्विमिंग करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हड्डियों में होने वाला दर्द भी आसानी से दूर होता है। नियमित इसको करने से हड्डियों को ताकत मिलती है और वे लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं। इसको करने से भविष्य में गठिया रोग होने की आशंका भी कम हो जाती है। स्विमिंग एक प्रभावी गतिविधि है, जो आपकी ब्रीदिंग को नियंत्रित करने में मदद करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में डूबने पर आपको लंबी गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम सही व्यायाम है जो ठीक से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपको अपने फेफड़ों को फैलाना और समान रूप से सांस लेना और छोड़ना सिखाता है। कम उम्र से ही सक्रिय ना रहना लोगों में ऊर्जा की कमी का कारण बनता है। स्विमिंग आपके मेटाबॉलिक स्तर को बढ़ाकर आपके शरीर को एनर्जी देती है। शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर सही रहेगा तो बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए आप स्विमिंग अपना सकते हैं। यदि रोज़ाना नियमित रूप से स्विमिंग की जाए तो किसी और एक्सरसाइज या कसरत का करना ज़रूरी नहीं होता। स्विमिंग आपकी मांसपेशियों को बढ़ाने और उन्हें मजबूती प्रदान करने में मदद करती है। इससे आपकी मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत भी होती हैं। स्विमिंग के लिए एक्सरसाइज की तुलना में अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि अधिक मेहनत आपके शरीर में मसल्स को सेहतमंद बनाने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। स्विमिंग प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके साथ ही पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है और इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान शिशु का वजन उठाने की क्षमता बढ़ती है। हर दिन स्विमिंग करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है। फिट रहने के लिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होनी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बैलेंस रहती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।